हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का साइंस क्लासेज क्विस्ट फॉर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेज फॉर यू पर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कल से हमने क्लास 12 बायोलॉजी को स्टडी करना शुरू किया था और उसमें हमने सबसे पहले यूनिट फर्स्ट के अध्याय फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट जीवों में जनन को पढ़ना शुरू किया था। कल हमारा एक छोटा सा टॉपिक रहा था जीवन अवधि। आशा करता हूं कि आपको वो टॉपिक समझ आया होगा और आपने उसको याद भी किया होगा, नोट्स भी बनाए होंगे। हालांकि कल का आपका उत्साह जो है वो देखने वाला था, काफी लोगों ने वीडियो देखा, वॉच किया, कुछ बच्चों ने नोट्स बनाए और नोट्स बना करके मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी किए, सेंड भी किए, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप बहुत लगन से मेहनत कर रहे हैं। अगर आपकी लगन ऐसी बनी रहती है तो निश्चित तौर पर हम आने वाले एक महीने में काफी कुछ सीख चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ओहो, अच्छा, ये चित्र लगाने का भी आप उद्देश्य समझ लीजिए कि कई बच्चे जो हैं वो वीडियो को कैजुअली लेते हैं। बच्चों, आप वीडियो को लाइक करा करो, लाइक बाजार में नहीं बिकता है, ये आप ही कर सकते हो। इससे क्या मिलता है? ना इससे पेट भरता है, ना दुकान से कोई सामान मिलता है। ना कहीं दुकानदार पे जाकर के मान लीजिए मैं कह दूं कि यार मेरे देखो बच्चों ने 100 लाइक किए हैं, आप मुझे कुछ फ्री दे दीजिए, तो वो तो नहीं देने वाला ना फ्री। तो क्या मिलता है लाइक से? लाइक से हमें कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। यूट्यूब पर जो हम ये वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए हमें प्रोत्साहन मिलता है कि यार जो हम काम कर रहे हैं बच्चे उसको पसंद कर रहे हैं, बच्चों के वो काम आ रही है। लेकिन जब आप वीडियो को लाइक नहीं करते, उसको शेयर सब्सक्राइब नहीं करते, कमेंट नहीं करते, तो फिर हमको ऐसा लगता है कि यार ये मेहनत जो हम कर रहे हैं ना, कहीं ये व्यर्थ तो नहीं जा रही है। तो बच्चों, आप लोग जो है बढ़ चढ़ करके लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब शेयर किया कीजिए, ताकि हमको प्रोत्साहन मिलता रहे इस प्रकार के नवाचार करने का। तो इस पर भी आप ध्यान दें। चलिए कल की बात को आगे बढ़ाते हैं। जीवन अवधि हम पढ़ चुके थे, वहां कोई समस्या आपको होगी नहीं, आप ऐसे ही नोट्स बना करके मुझे जो है भेजते रहें। आज हमारा टॉपिक रहेगा जीवन की विभिन्न अवस्थाएं। देखिए, जीवन अवधि, जन्म लेगा व्यक्ति, अलग अलग फेज से गुजरेगा, तो वो जो अलग अलग फेज होती है जीवन की, विभिन्न अवस्थाएं होती है। जैसे मैंने कल अवस्थाओं का उदाहरण दिया भी था आपको, हालांकि वो साइकोलॉजिकल दृष्टि से मैंने वो उदाहरण बताया था। बायोलॉजिकली जीवन की केवल 4 अवस्थाएं होती है, लेकिन कल सामान्य जो अवस्थाएं होती है हम पढ़ते हैं यार, जैसे मैंने बताया था ना कल की शिशु अवस्था, फिर बाल्य अवस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, है ना। तो इस प्रकार अलग अलग अवस्थाओं से जीवन गुजरता है। लेकिन जीव विज्ञान की दृष्टि से बायोलॉजिकली जीवन की केवल 4 ही अवस्थाएं मानी गई है। ये 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है? देखो, एक लाइन जो ये लिखनी है आपको कि जीव चाहे कोई भी हो, पादप हो, जंतु, सूक्ष्म हो या बड़ा हो, कम जीवन अवधि वाला हो या लंबी जीवन अवधि वाला हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी जीवों में जीवन की सामान्यतः 4 अवस्थाएं होती है। कौन कहता है? जीव विज्ञान कहती है। अब यहां पर मनोविज्ञान अलग कहता है, मानव शास्त्र अलग कहता है, लेकिन बायोलॉजी क्या कहती है? बायोलॉजी सभी जीवों की 4 अवस्थाएं मानती है। ये 4 अवस्थाएं कौन कौन से, पहले तो चारों का नाम याद कर लीजिए अच्छे तरीके से, नोट्स भी लिखते जाएंगे, याद भी करते जाएंगे। अगर आप अभी नोट्स नहीं लिख पा रहे हैं तो पहले आप वीडियो को तसल्ली से देख लीजिए, फिर बचा हुआ, जैसे मान लीजिए हम क्लास लगाते हैं तो बायोलॉजी की क्लास जनरली 1 या 1.5 घंटे की क्लास आपकी लगती है ना, ऑफलाइन क्लास जब हम पढ़ते हैं 1 या 1.5 घंटे की क्लास लगती है, 1 घंटा तो लगती है, तो उसमें 1 घंटा तो हम देते हैं ना बायोलॉजी को, है ना, बायोलॉजी को, ठीक है। तो यहां पर भी आपको 1 घंटा देना है, 1/2 घंटे की वीडियो, फिर उसी वीडियो को 1/2 घंटे और देख करके आप नोट्स बनाइए। तो ये हो गई आपकी 1 घंटे की क्लास। ध्यान दें, पहली अवस्था कौन सी है? भ्रूणावस्था, जिसको इंग्लिश में एम्ब्रायनल फेज कहा जाता है, एम्ब्रायनल फेज कहा जाता है। दूसरी है किशोरावस्था, जिसको जुवेनाइल फेज कहा जाता है। नंबर तीसरी अवस्था रहेगी जनन प्रावस्था, जिसमें सजीव जनन करने में सक्षम हो जाता है, इसको रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। और लास्ट है चौथी जीर्णावस्था, जिसमें बूढ़ा हो जाता है व्यक्ति, वृद्धावस्था भी हम इसको कह सकते हैं ना, सेनेसेंट फेज इसको कहा जाता है इंग्लिश में। तो पहले तो आप इन 4 अवस्थाओं को याद कर लीजिए कि जीव विज्ञान की दृष्टि से जीवन, जीवों में जीवन की कितनी अवस्थाएं होती है। 4 अवस्थाएं, भ्रूणावस्था, किशोरावस्था, जनन प्रावस्था, जीर्णावस्था, ये 4 अवस्थाएं याद हो जाती है आपको। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एक एक अवस्था के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भ्रूणावस्था की। देखिए, भ्रूणावस्था क्या है? आप जानते हैं, वैसे हम छोटी कक्षाओं से भी पढ़ते आए हैं कि सजीव जब जनन करता है, स्पेशली लैंगिक जनन, है ना, लैंगिक जनन, तो उसमें क्या होता है, एक नर युग्मक बनता है। जैसे मान ली मानव की बात कर लीजिए तो शुक्राणु होगा, एक अंडकोशिका होगी, ये नर युग्मक, ये मादा युग्मक। जब इनका निषेचन होगा तो दोनों आपस में फर्टिलाइज कर जाएंगे एक दूसरे को, शुक्राणु अंडाणु को फर्टिलाइज कर देगा और उसे एक
एक कोशिकीय रचना बनती है इस प्रकार की, जो द्विगुणित हो जाती है क्योंकि दोनों के केंद्रक आपस में जुड़ जाते हैं, तो इसको द्विगुणित कहते हैं। जबकि ये जो युग्मक आप ऊपर देख रहे हैं ये अगुणित है, ये क्या है, अगुणित है। ठीक है, तो इस प्रकार दोनों युग्मकों के निषेचन से, नर युग्मक और मादा युग्मक के निषेचन से ये युग्मनज बनता है। अब ये युग्मनज क्या करता है, ये युग्मनज लगातार समसूत्री विभाजन करता है और अपने आकार में वृद्धि करता रहता है, और इस वृद्धि से एक नई संरचना का निर्माण होता है जिसको क्या कहते हैं, जिसको भ्रूण कहते हैं। तो यहीं से जीवन की स्टार्टिंग मान ली जाती है, वैसे देखा जाए तो यहीं से जीवन की क्या मान ली जाती है, स्टार्टिंग मान ली जाती है। तो फिर जीवन की पहली अवस्था भी कौन सी हो गई, भ्रूणावस्था ही हुई ना, ये पहली अवस्था मानती है जीव विज्ञान जीवों की, है ना। इसीलिए तो हम जीव विज्ञान, जब हम जीव विज्ञान की दृष्टि से किसी जीव को देखते हैं तो हम ये मानते हैं कि अगर कोई शिशु गर्भ के अंदर भी है तो हम उसको जीवित ही मानते हैं, क्योंकि बायोलॉजिकली वो जीवित है, बायोलॉजिकली उसके अंग काम कर रहे हैं, बायोलॉजिकली वो श्वसन कर रहा है, पाचन कर रहा है, पोषण कर रहा है, उत्सर्जन कर रहा है, सारे काम कर रहा है, तो जीवन तो वहीं से स्टार्ट हो गया है ना। फिर जन्म लेने की प्रोसेस है तो वो केवल उसको जीव को माता के शरीर से बाहर लाने का काम कर रही है केवल, लेकिन जीव तो कहां से शुरू हो गया, भ्रूणावस्था से शुरू हो गया। तो बायोलॉजी जो है वो जीवन की कितनी पहली अवस्था किसको मानती है, भ्रूणावस्था को मानती है। आगे क्या बात समझ में, चलो परिभाषा लिखेंगे आप, क्या परिभाषा रहने वाली है देखें। लैंगिक जनन के दौरान, वही बात जो मैंने आपको समझाई है, लैंगिक जनन के दौरान नर युग्मक व मादा युग्मक के संलयन से द्विगुणित निषेचित अंडकोशिका या युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज के परिवर्धन से भ्रूण का निर्माण होता है, यही भ्रूण जीवन की प्रारंभिक स्थिति या प्रावस्था होती है। ये तो बात हो गई किसकी, भ्रूणावस्था की। अब बात करते हैं हम किशोरावस्था की। किशोरावस्था को आप पहले समझिए, जन्म ले लिया बच्चे ने, जन्म लेने के बाद अब वो धीरे 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 ग्रोथ करेगा ना, शिशु बच्चा, इस सबको किशोरावस्था ही मान रही है, जुवेनाइल फेज ही मान रही है जीव विज्ञान। तो उसके लगातार अंगों में परिवर्तन देखने को मिलेगा, पहले अंग छोटे होंगे फिर बड़े होते जाएंगे, फिर धीरे धीरे जैसे मान लो जो कोई, अगर हम ह्यूमन की बात करें, मानव की बात करें, तो जो बच्चे हैं लड़के हैं उनमें दाढ़ी मूछें आना शुरू हो जाएगी, है ना, लड़कियों में स्तन ग्रंथियों का विकास शुरू हो जाएगा, जनन अंगों का विकास शुरू हो जाएगा, जननांगों का विकास प्रारंभ होगा, यहां पर ध्यान देना, जननांगों का विकास शुरू हो जाएगा, विकास कंप्लीट नहीं होगा, विकास शुरू हो जाएगा। द्वितीयक लैंगिक लक्षण जैसे दाढ़ी मूछों का आना, स्त्रियों में स्तन ग्रंथियों का विकास होना, इनका प्रारंभ होगा, विकसित नहीं होंगे, प्रारंभ होगा। तो ये सारे जो परिवर्तन है ये किशोरावस्था में देखने को मिलते हैं जंतुओं में, अलग अलग जंतुओं में ये अलग अलग हो सकते हैं, मैंने केवल आपको मानव का उदाहरण देकर के समझाया है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या लिखना है आपको यहां पर। पहली बात, जीवन की वह अवस्था जिसमें जीवों के शरीर की वृद्धि व विकास होता है, बता रहा हूं आपको, है ना, जन्म लेने के बाद ही होगा ये चीज, तथा जनन अंग परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं, परिपक्व नहीं हुए हैं, परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं। इस दौरान जीवों के बाह्य शारीरिक, जैसे मैंने बताया ना, अगर लड़कियां हैं तो स्तन ग्रंथियों का विकास शुरू होगा, लड़के हैं तो दाढ़ी मूछों का आना, इस प्रकार की बाह्य शारीरिक में भी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। इस दौरान जीवों की बाह्य शारीरिक में अनेक परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो ये जो फेज होती है जीवन की, इस फेज को, इस अवस्था को क्या कहा जाता है, इस अवस्था को कहा जाता है किशोरावस्था। आगे बढ़ते हैं, अब देखो एक बात है सर, पादप भी तो जीव ही है, पादपों में भी किशोरावस्था होती है क्या, हाँ बिल्कुल होती है, पादपों में भी जब भ्रूणावस्था यानी जो बीज होता है उसके अंदर भ्रूण होता है, वो विकसित होकर के जब अंकुरित होता है, आपने देखा होगा प्रस्फुटन होता है उसका, तो बाहर एक छोटा सा पादप निकलता है और उसके बाद उस पादप का विकास शुरू हो जाता है, पत्तियां बनने लगती है, जड़ तना पत्तियों में विकास होने लगता है। तो वो जो फेज है एक्चुअल में, वो जो उस फेज की जो तुलना है हम जंतुओं में किशोरावस्था से कर सकते हैं। तो जंतुओं में ये किशोरावस्था के नाम से जानी जाती है, लेकिन पादपों में जड़ तना पत्ती के विकास के नाम से जानी जाती है, जिसको हम कायिक प्रावस्था कह सकते हैं। पादपों में जड़ तना व पत्ती का विकास किस नाम से जाना जाता है, यहां देखिए एरो के निशान पर, कायिक प्रावस्था के नाम से जाना जाता है। जबकि जो पादपों में पुष्प का विकास होगा, पुष्पों का विकास होगा, वो लैंगिक प्रावस्था के नाम से जाना जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, पादप में पुष्प लैंगिक अंग होता है, तो जब पुष्प बनने लगते हैं तो हम कहते हैं कि आज जनन प्रावस्था शुरू हो गई पादप के अंदर। लेकिन जब तक पुष्प नहीं बनते हैं, जब तक केवल जड़ तना पत्ती का विकास चलता रहता है, तो उसको कायिक प्रावस्था कहते हैं। और इसकी तुलना जंतुओं में किससे कर सकते हैं, किशोरावस्था से कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको जो मैं बता रहा हूं वो बातें सीधे सीधे समझ में आ रही होगी। देखिए इस लाइन को आपको लिख लेना है, जंतुओं में इस प्रावस्था को किशोरावस्था कहते हैं, जबकि पादप में कायिक प्रावस्था के नाम से जाना जाता है। थोड़ा और इसको हम पढ़ते हैं,
सभी जीवों में किशोरावस्था या कायिक प्रावस्था की अवधि भिन्न भिन्न हो सकती है ना, जैसे किसी में 2 दिन की भी हो सकती है, किसी में 10 दिन की, किसी में 4 महीने की, किसी में 10 साल की, किसी में 20 साल की, अलग अलग हो सकती है, अवधि सेम नहीं रहती। जैसे मनुष्य में अगर मैं बात करूं किशोरावस्था की, तो अगर बायोलॉजिकली देखूं तो 18 वर्ष तक जो है किशोरावस्था, 18-19 साल तक किशोरावस्था की फेज रहती है। उसके बाद मनुष्य में क्या स्टार्टिंग हो जाती है, प्रजनन प्रावस्था, जनन प्रावस्था स्टार्ट हो जाती है, यानी उसके बाद वो जनन करने के लिए कैपेबल हो जाता है, सक्षम हो जाता है। 2 अवस्थाएं समझ में आ गई क्या, कौन कौन सी, भ्रूणावस्था, किशोरावस्था। आगे बढ़ते हैं, तीसरी अवस्था बताइए कौन सी है, पढ़ी थी ना अपन ने, बताइए, कमेंट करिए फटाफट, कमेंट करो कौन सी थी तीसरी, है ना, पहली भ्रूणावस्था, दूसरी किशोरावस्था, और तीसरी कौन सी थी, कमेंट करिए फटाफट। यस, तीसरी प्रावस्था थी हमारी, तीसरी प्रावस्था थी जनन प्रावस्था, जिसको हमने रिप्रोडक्टिव फेज कहा। अब ये तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, क्या स्पष्ट हो रहा है कि ये वो प्रावस्था है जहां पर कोई भी सजीव जो है ना वो जनन करने के लिए क्या हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा, चाहे वो पादप है चाहे वो जंतु है, जनन करने के लिए क्या हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर जंतु है, कोई जीव है, मनुष्य है, तो उसमें लैंगिक अंगों का जो विकास चल रहा था वो विकास यहां पर आकर के क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास यहां पर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। पादप है तो पादप में पुष्पों का विकास यहां पर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ये जनन प्रावस्था है। चलिए एक एक लाइन इसकी भी पढ़ लेते हैं। इस प्रावस्था में जीव पूर्णतः संतति उत्पन्न करने हेतु परिपक्व हो जाते हैं, यही बात मैं आपको समझा रहा हूं, है ना, यानी जनन करने के लिए सक्षम हो जाते हैं, समर्थ हो जाते हैं। आगे बात करते हैं, जंतुओं में यह प्राय है किशोरावस्था की समाप्ति तथा वयस्कता प्राप्त करने के समय जंतुओं के व्यवहार तथा आकारिकी में परिवर्तन होता है, इनमें द्वितीयक लैंगिक लक्षण स्पष्ट हो जाते हैं, है ना, यानी जब किशोरावस्था जैसे ही समाप्त होती है, कहने का मतलब क्या है, किशोरावस्था जैसे ही समाप्त होती है वयस्क अवस्था शुरू होती है, तो वही काल होता है जनन प्रावस्था का, जहां पर जंतुओं के व्यवहार में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। व्यवहार कैसा हो जाएगा, थोड़ा जनरली जो है व्यक्ति जो है ना थोड़ा, जैसे मैं कह सकता हूं कि यार क्रोधित रहने लगता है, या यूं कहूं कि है ना, आप क्या समझ सकते हैं कि थोड़ा उत्तेजित रहता है व्यक्ति, है ना, जनन प्रावस्था के समय क्रोध बढ़ जाता है उसका, और एक लक्षण जो सामान्यतः देखने को मिलता है, नर जो है वो मादा की तरफ आकर्षित होने लगता है, मादा नर की तरफ आकर्षित होने लगती है, तो इस प्रकार के व्यवहार में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। आकारिकी में तो परिवर्तन देखने को मिल ही रहा है, जनन प्रावस्था के दौरान व्यवहार में भी परिवर्तन देखने को मिलता है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे, यानी दाढ़ी मूंछें कंप्लीट आ जाएगी, स्तन ग्रंथियों का विकास हो जाएगा, फीमेल है तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, ऋतु स्त्राव जिसको कहते हैं, मासिक चक्र जिसको कहते हैं, वो स्टार्ट हो जाएगा, वो प्रारंभ हो जाएगा, तो ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिलती है। कहां पर, जनन प्रावस्था में, जंतुओं में, किसमें, जंतुओं में, जंतुओं में भी। अच्छा, आप आगे बात करेंगे इसी यूनिट के अंदर, बात करेंगे कि जैसे मैंने बताया कि ऋतु स्त्राव शुरू हो जाता है, तो ये अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार का होता है, वो आगे बात करेंगे, अभी यहां पर नहीं करते हैं। चलिए आगे हम इसमें पढ़ते हैं, ये आपको नोट्स में लिखना है कि जंतुओं में जनन का समय भी अलग अलग होता है, ये बहुत अच्छी बात है। देखो, सुनो, समझो, कुछ जंतु विशेष ऋतु में ही जनन करते हैं, आपने देखा होगा कुछ जंतु केवल किसी ऋतु विशेष में, जैसे बारिश का मौसम, बरसात का मौसम जो है कुछ उसमें जनन करते हैं, है ना, कुछ शीत ऋतु में जनन करते हैं, कुछ ग्रीष्म ऋतु में जनन करते हैं, तो कुछ जंतु ऋतु विशेष में ही जनन करते हैं, जबकि कुछ जंतु वर्ष के किसी भी हिस्से में जनन कर सकते हैं, है ना, ये सदा बाहर होते हैं। जैसे मनुष्य देख लीजिए आप, 12 महीने में कभी भी किसी भी महीने में जनन की प्रक्रिया को अंजाम दे सकता है ना, कभी भी जनन कर सकते हैं, तो इनके लिए कोई ऋतु का कोई बाउंडेशन नहीं होता है। तो कुछ जंतु केवल किसी विशेष ऋतु में ही जनन करते हैं, जबकि कुछ जंतु जो है वो वर्ष के किसी भी हिस्से में जनन कर सकते हैं, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात करते हैं जनन प्रावस्था में ही, अब थोड़ी पादपों पर बात कर लेते हैं, तो जंतुओं की बात हो गई, थोड़े पादपों पर बात कर लेते हैं। जैसे पुष्पी पादपों में जनन प्रावस्था कैसे देखी जाएगी, कैसे नोटिस की जाएगी, अरे भाई मैंने अभी बताया था आपको कि अगर पादप में पुष्प बनना स्टार्ट हो जाते हैं, आपको पादप में पुष्प खिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि पादप में कौन सी प्रावस्था शुरू हो गई, जनन प्रावस्था शुरू हो गई, क्योंकि जो पुष्प है वही तो पादप के जनन अंग हैं, इन्हीं से जनन की प्रक्रिया होगी। कैसे, अगले अध्याय में आप पढ़ोगे पादपों में जनन, अभी आप फिलहाल इतना ध्यान रखिए कि पुष्पी पादपों में जनन प्रावस्था उनमें पुष्पों के बनने से भली प्रकार प्रदर्शित होने लगती है। आगे बात करते हैं, अब अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं, एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय। एक वर्षीय क्या होते हैं उनको समझिए पहले,
एक वर्षीय पौधों में पादप एक ऋतु में पुष्पन एवं फलन करके मृत हो जाते हैं, यानी जो एक ऋतु है उसके स्टार्टिंग में वो कायिक वृद्धि भी कर लेंगे, उनमें जनन वृद्धि भी हो जाएगी, जननिक विकास भी हो जाएगा यानी पुष्पन भी हो जाएगा, वो फल भी दे देंगे और मर भी जाएंगे। तो इस प्रकार के जो पादप हैं वो एक वर्षीय पादप होते हैं जिसका एक ऋतु या एक वर्ष में ही पूरा जीवन काल पूरी जीवन लीला समाप्त हो जाती है, ये एक वर्षीय पादप होते हैं। जैसे आप उदाहरण ध्यान रखना, प्रत्येक का दो दो उदाहरण ध्यान रखना है। एक वर्षीय पौधों का उदाहरण क्या है, गेहूं और चावल, एक ही वर्ष में कायिक वृद्धि भी कर लेते हैं और जनन वृद्धि भी कर लेते हैं और इनकी डेथ भी हो जाती है, तो ये एक वर्षीय पादप है। बात करते हैं द्विवर्षीय पादप की, इसमें क्या होता है, दो ऋतुएं चाहिए होती है या दो वर्ष का समय लग जाता है, दो ऋतु भी कह सकते हैं दो वर्ष भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पादप एक ऋतु में केवल कायिक वृद्धि कर रहा है, जड़ तना पत्ती का विकास कर रहा है और दूसरी ऋतु में जाकर के वो पुष्पन करता है, तो दो ऋतुओं की इसको नीड है, तो इस प्रकार के पादप क्या कहलाएंगे, द्विवर्षीय पादप कहलाएंगे। कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जैसे पपीता वगैरह, तो उसमें क्या होता है एक वर्ष तक केवल कायिक वृद्धि चलती रहती है और दूसरे वर्ष में जाकर के वो फल देना शुरू करते हैं, तो वो भी क्या कहलाएंगे, द्विवर्षीय पादप कहलाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, द्विवर्षीय पौधों में एक ऋतु में कायिक वृद्धि पूर्ण होती है तथा दूसरी ऋतु में पुष्पन एवं फलन की क्रिया पूर्ण होती है। उदाहरण केला या पपीता, केला या पपीता यानी जीवन को है ना स्पेंड करने के लिए इनको दो ऋतु या दो वर्ष की आवश्यकता होती है, केला या पपीता। अच्छा अब ऋतु की जगह ना, ऋतु की जगह आप जो है थोड़ा सा अपन इसमें करेक्शन कर लेते हैं, नहीं तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। आप ऋतु की जगह कहां गया ये, इसकी जगह आप है ना वर्ष कर लीजिए, क्योंकि अपने एनसीईआरटी सिलेबस में जो है यहां पर वर्ष ही कर लीजिए आप, तो क्लियर रहेगा। यानी जो पादप एक ही वर्ष में कायिक वृद्धि भी कर ले और जननिक वृद्धि भी कर ले, ठीक है, तो वो और मर भी जाए उसी साल, तो ये पादप क्या है, एक वर्षीय पादप। और है ना आप, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप करेक्ट कर लेंगे, ऋतु की जगह क्या करेंगे आप वर्ष, और दूसरी की जगह दूसरा हो जाएगा दूसरे, है ना, ऋतु की जगह वर्ष कर लीजिए आप, ठीक है। चलो तो द्विवर्षीय, ओहो चलो भाई दो मिनट आपको थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा इस लाइन को मिटाने के लिए। ओके वापस आ जाते हैं मुद्दे पे। तो द्विवर्षीय पौधे क्या है, द्विवर्षीय पौधों में है ना जाना नहीं, अभी घुमा के लाएंगे आपको कर्नाटक केरल की नीलगिरी पहाड़ियों पर। हाँ जैसे कल मैं फ्लाई से मिलाया था ना, आज आपको केरल कर्नाटक लेकर चलेंगे, नीलगिरी की पहाड़ियों पर लेकर चलेंगे, घुमाकर लाएंगे, है ना। लॉकडाउन में आप बोर हो गए होंगे तो अभी आपको घुमाकर लाएंगे, इसलिए जाना नहीं है, लाइव बने रहना है मेरे साथ के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, यह हो गया द्विवर्षीय पौधों में एक वर्ष में है ना ऋतु की जगह वर्ष में कायिक वृद्धि पूर्ण होती है तथा दूसरे वर्ष में पुष्पन व फलन की क्रिया पूर्ण होती है, यानी दो वर्ष लग जाते हैं, इसको कहा जाता है द्विवर्षीय पादप। उदाहरण केला पपीता। आगे बढ़ते हैं बहुवर्षीय। बहुवर्षीय तो आप देख रहे हैं आम नीम है ना, ये जितने भी पीपल जितने भी जो भी देख रहे हैं आप, इतने वृक्ष सॉरी वृक्ष, ये सब क्या है, ये सब बहुवर्षीय है। इनको परिभाषित कैसे करते हैं बहुवर्षीय पौधों को, देखिए पढ़े। बहुवर्षीय पौधों में कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें एक बार कायिक वृद्धि पूर्ण हो जाए, है ना, चाहे वो छह महीने में हो एक साल में हो, लेकिन कायिक वृद्धि पूर्ण हो गई तो कायिक वृद्धि पूर्ण होने के बाद वो पादप मरेगा नहीं, बल्कि उसके बाद जितने साल का उसका जीवन काल है, दो साल पांच साल दस साल जितना भी जीवन काल है उसका, हर साल एक विशेष ऋतु में पुष्पन व फलन करेगा, है ना। जैसे विशेष ऋतु में आम आते हैं, विशेष ऋतु में संतरा आता है, विशेष ऋतु में अमरूद आता है, तो ये एक साल में थोड़ी मर जाते हैं पादप, कई सालों तक बने रहते हैं और हर साल एक विशेष ऋतु में ये अपने फल देना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार के जो पादप है ना वो क्या कहलाते हैं, बहुवर्षीय पादप कहलाते हैं, ठीक है। आप रिप्रोडक्टिव फेज पढ़ रहे हो, पादपों में किस प्रकार की होती है, देखो बहुवर्षीय पौधों में कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें एक बार कायिक वृद्धि पूर्ण हो जाने के बाद प्रत्येक वर्ष में विशेष विशिष्ट ऋतु के अनुसार पुष्पन व फलन होता है, ध्यान रखिएगा। उदाहरण आम नीम बबूल आदि। आगे बढ़ते हैं, कुछ बहुवर्षीय पादप ऐसे भी होते हैं जो संपूर्ण जीवन काल के दौरान केवल एक बार पुष्पन करती है, ऐसा भी पादप हो सकता है क्या, है गेस कर सकते हो आप, ऐसा कौन सा पादप है जो अपने पूरे जीवन काल में केवल एक बार जनन कर रहा है, एक बार पुष्पन कर रहा है मतलब एक बार ही जनन कर रहा है ना? ऐसा कौन सा पादप है जो अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार जनन करता है, तो इसका उदाहरण है बांस, ध्यान दीजिएगा क्या उदाहरण है बांस। कुछ बहुवर्षीय पादप संपूर्ण जीवन काल के दौरान केवल एक बार पुष्पन एवं फलन की क्रिया करते हैं, इनमें पुष्प लाखों की संख्या में लगते हैं और इसका उदाहरण है बांस। तो इस प्रकार का रिप्रोडक्टिव फेज होता है पादपों में। स्टूडेंट्स
ध्यान रखिएगा, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक बात और आपसे पूछ रहा हूं, फिर कल बताएंगे, आप कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि बांस का जो वैज्ञानिक नाम है, बांस का साइंटिफिक नेम क्या होता है, वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो इसको आप ढूंढें, कोशिश करें, नेट से ढूंढें, कहीं से भी ढूंढें, कमेंट करके बताएं बांस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। नहीं तो मैं तो फिर कल बताऊंगा इसे, लेकिन आप सक्रिय रहेंगे तो मजा आएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए बांस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। चलिए, तीन फेज हो गई, कौन कौन सी हो गई, भ्रूणावस्था, किशोरावस्था, जनन प्रावस्था। चौथी का नाम बताओ फटाफट कमेंट करके, चौथी का नाम बताइए, कमेंट करिए फटाफट, मैं देख रहा हूं। यस, लास्ट प्रावस्था है जीर्णा प्रावस्था। कौन सी है? जीर्णा प्रावस्था। जीर्णा प्रावस्था को आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि यह वृद्धावस्था है। क्या है? यह वृद्धावस्था है। जीर्णा प्रावस्था या जीर्णावस्था कह सकते हैं, उसको वृद्धावस्था भी कहते हैं। क्या है भाई? अरे जब पूरा जीवन जी लिया, जनन प्रावस्था समाप्त हो गई, अब अंग नष्ट होने लगे हैं, अब अंग बूढ़े होने लगे हैं, अब अंगों ने काम करना बंद कर दिया है, फेफड़े कम काम कर रहे हैं, हृदय की गतियां अब जो है अनियमित हो रही है, वो अवस्था क्या है? वो अवस्था जीर्णावस्था है। पादपों में पत्तियां खिलने लगी है, पादपों में फल खिलने लगे हैं, पादप सूखने लगा है, वो प्रावस्था क्या है? जीर्णावस्था है। समझिए बात को, यह वृद्धावस्था होती है। इस प्रावस्था में शरीर के विभिन्न अंग व अंग तंत्र शिथिल होने लगते हैं, बात वही है, यानी काम करना बंद कर देते तथा उनकी कार्य शक्ति कम हो जाती है। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही जीर्णता कहते हैं, है ना, यानी बुढ़ापा आ गया, जीर्णता आ गई। अब यह प्रावस्था जनन काल की समाप्ति पर प्रारंभ होती है, जैसे जनन काल खत्म हुआ जीर्णता शुरू हो गई और मृत्यु तक चलती है, जब तक मर नहीं जाता वो सजीव, तब तक जीर्णावस्था जीर्णावस्था बनी रहती है। आ रही है क्या बात समझ में? बस तो फिर यही है जीर्णावस्था, और क्या पढ़ोगे आप जीर्णावस्था में। तो इसी के साथ जीवन की चारों प्रावस्थाएं जो है वो आप आज समाप्त करते हैं। आशा करता हूं नोट्स बनाएंगे, और जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए तो आप कमेंट बॉक्स में अपने व्हाट्सएप नंबर कर देना, आपको भी जोड़ लेंगे, डरने की कोई बात नहीं है ना। तो नोट्स बनाएंगे और नोट्स बना करके मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे, तो इससे भी हमें प्रोत्साहन मिलेगा। चलिए घुमाकर लाते हैं, घुमाकर लाने की बात हुई थी आपसे, ये लीजिए नीलगिरी की पहाड़ियों पर लेकर के आ गए आपको। ये जो पहाड़ियां है ना दोस्तों, देखो आप, ये पुष्प दिखाई दे रहे हैं आपको, बहुत सारे पुष्प दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर, ये है ना, हल्के बैंगनी या नीले रंग के पुष्प इनको कहा जाता है, ये पुष्प। ये पहाड़ियां पूरी लद जाती है पुष्पों से, देखो और जूम करके देखो, ये इस प्रकार की पहाड़ियां जो है ना, नीलगिरी की पहाड़ियां केरल कर्नाटक साइड पर मिलती है। और ये जो दृश्य आप देख रहे हो ना पुष्पों का, चलो और अच्छे से बताते हैं आपको, एक नया तरीके से बताते हैं। ये देखो, ये देखिए, पूरी की पूरी पहाड़ी पुष्प से ढकी हुई है, है ना, पूरी की पूरी पहाड़ी किससे ढकी हुई है? पुष्प से ढकी हुई है। लेकिन ये जो दृश्य है ना, ये दृश्य आपको हर साल देखने को नहीं मिलता है, ये दृश्य आपको 12 साल में एक बार देखने को मिलता है। कब? 12 साल में एक बार आपको ये दृश्य देखने को मिलता है, हर साल आपको ये दृश्य देखने को नहीं मिलेगा। कारण क्या है? कारण यह है स्टूडेंट कि ये जो पुष्प आप देख रहे हो ना, बैंगनी या हल्के नीले रंग के पुष्प आप इनको कह सकते हैं, ये पुष्प किसके हैं? ये है नीला कुरेंजी या स्ट्राबिलेंथस कुंतियाना, इसका वैज्ञानिक नाम है। नीला कुरेंजी के पुष्प है ये, जो केरल कर्नाटक साइड की पहाड़ियों पर पाया जाता है। लेकिन ये पादप की विशेषता क्या है नीला कुरेंजी की, कि 12 साल में एक बार पुष्पन करता है। कब करता है? 12 साल में एक बार। तो स्वाभाविक बात है ये दृश्य भी कब देखने को मिलेगा? 12 साल में एक बार देखने को मिलेगा। लास्ट टाइम 2006 में ये कंडीशन बनी थी, 2006 में पुष्पन हुआ था, उसके बाद 2018 में पुष्पन हुआ और अब 2030 में होगा। कभी जाना, बड़ा मनोहर दृश्य होता है, बड़ा मजा आता है। हालांकि मैं नहीं गया, बस मैं बता रहा हूं आपको ऐसे अंदाजे से, है ना। आप आगे बढ़िए, नीला कुरंजी देखो, फैक्ट बात है, ऐसा नहीं है कि मैं केवल आपके इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूं ये चीज, ये आपके नोट्स में है या आपके सिलेबस में है, आपको याद रखना है। नीला कुरंजी या साइंटिफिक नाम स्ट्राबिलेंथस कुंथियाना, एक नंबर का पूछा जा सकता है। क्या फैक्ट ध्यान रखना है? ये जो पादप है नीला कुरंजी स्ट्राबिलेंथस कुंथियाना, 12 वर्ष में एक बार पुष्पन की क्रिया करता है। इसके सुंदर पुष्पों के अत्यधिक मात्रा में निर्मित होने के कारण कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु की पहाड़ियां फूलों से ढक जाती है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होती है। और इसमें 2018 में पुष्पन हुआ था, यानी अब आप अगर यह दृश्य देखना चाहते हैं तो आपको 2030 का इंतजार करना होगा, तब जाइएगा देखने घूमने, है ना। और याद करिएगा प्रश्न कैसे बनता है परीक्षा में, सीधा सीधा पूछेगा कि निम्न में से कौन सा पादप 12 वर्ष में एक बार पुष्पन करता है।
आंसर होगा नीला कुरंजी या साइंटिफिक नाम स्ट्राबिलेंथा कुंथियाना। तो आशा करता हूं कि आज की क्लास से भी आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, इससे हमको साहस मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। बाकी मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, आगे बढ़ाएंगे इस चैप्टर को। बने रहिएगा साइंस क्लासेज के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।